पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने रविवार को सस्पेंड कर दिया है। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की माँ कृष्णा मलिक ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सम्मान वापस लेने की बात कही है। ब्रजभूषण के करीबी की जीत के विरोध में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री लौटा दिया था। गुगुगा पहलवान ने भी पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी थी। नए अध्यक्ष की जीत के बाद WFI ने 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने की घोषणा की थी। गोंडा भाजपा सांसद ब्रजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। रेसलर्स ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम पर कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। WFI की पिछली बॉडी में ब्रजभूषण के अध्यक्ष रहते हुए संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। संजय सिंह चुनाव में कॉमनवेल्थ चैंपियन अनीता सिंह शोराण को हरा कर अध्यक्ष बने थे। संजय की जीत के बाद ब्रजभूषण के बेटे ने कहा था कि हमारा दबदबा पहले था और आगे भी रहेगा। साक्षी मलिक ने भी गोंडा में टूर्नामेंट कराए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है, पलकर रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने वाले हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। WFI के चुनाव में संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने से ब्रजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले रेसलर नाखुश थे। दिल्ली में गुरुवार शाम को रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने जूते उतार कर टेबल पर रख दिए और वहां से उठकर चली गई। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पुनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं, कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ WFI पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया।